अहमदाबाद से अतीक अहमद जैसे ही प्रयागराज के लिए रवाना हो, काफिले में उनकी बहन भी पीछे पीछे चलती नजर आई। अतीक अहमद की बहन ने मीडिया कर्मियों से झांसी में बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। क्या क्या झांसी में आई तो अभी अभी क्यों डर? लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ डर लग रहा है? अपराधी मारे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है? उसने कितने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घात बताया? मैम, तो वो कोर्ट को कैसे लग रहा है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक की डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में तो होनी है। आप पांच बार के विधायक को, मैम आप पांच बार के विधायक को और एक बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट के अमन निर्दोष है। आप ये कह रहे हैं जब तक, बिल्कुल जब तक कोर्ट, जब तक कोर्ट कहाँ पर है? अगर निर्दोष है तो यहाँ पर क्यों नहीं आते, उसके सामने क्यों नहीं आते? बाल गृह में है उनके बच्चे, बाल गृह में। और भी असद कहाँ पर है आखिर में, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? लखनऊ में सीधा नाम है कॉलेज में। बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? बाकी लोग क्या सरेंडर करेंगे? डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है असद। असद कहाँ पर? लेकिन अदालत क्यों है, मिल क्यों नहीं रहा है आखिर में? पता नहीं, जो उसका केस में नाम आ गया इसलिए गायब हो गया। शाइस्ता परवीन कहाँ है आपको मालूम है? मैम, क्या आपकी भाभी, आपका भतीजा वो सरेंडर करेंगे क्या? मुझे नहीं पता। क्या किसी में आने के बाद कोई डर लग रहा है? कानून का साथ देना चाहिए अगर आप। बिल्कुल 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 कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। क्या बैंक की झांसी में आने के बाद कोई डर? सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है और अभी आप कह रही है दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है? वो जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। क्या क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे डर लग रहा है। क्या बयान दिया वो आप लोग को पता है? क्या बयान दिया मैम? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मुकदमा चल रहा है, जेल की मुहाने पर खड़े हैं इस वक्त, जेल में ही बंद है सभा। भाई वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो पूरा साम्राज्य अगर चलता था, अभी ऑफिस में भी छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री पर क्यों डर है उत्तर प्रदेश आने का? मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। तो फिर अगर इंसाफ का भरोसा है तो डर क्यों है आखिर? आप क्यों कह रही है कि यूपी पुलिस पर डर? ये डर तो नहीं होना चाहिए।